Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अद्वि सिंह, हेलो। वो अपने टैब में लगी हुई है, तो मैं और अद्वि तैयार हो गए हैं। शोना, दिखाओ अपनी ड्रेस एक बार उठ के। और ये वाला फ्रॉक अद्वि ने पहन लिया है, मैं यहाँ पे कुर्ती वगैरह सब कुछ पहन के तैयार हो गई हूँ। और चूड़ियाँ चेंज की हैं आज मैंने, और कांच वाली पहनी है ये मैंने इस बार चूड़ियाँ। और झुमकी पहन ली है मैंने, ठीक से तैयार हो गई हूँ। और तैयार क्यों हो रहे हैं हम आज, क्योंकि आज है साहब का बर्थडे। वैसे आपको इससे पहली क्लिप से पता लग ही गया होगा कि आज उनका बर्थडे है। तो यस, आज है 19 मई, और आज के दिन साहब इस दुनिया में प्रकट हुए थे, अपनी मम्मी की झोली में आए थे। उसके बाद थोड़े से मैंने चुरा लिए हैं, थोड़े से ही, सारे अपनी मम्मा के ही हैं वो, बस इतने से रखे हैं मैंने अपने पास। तो गए हैं वो शावर लेने के लिए, तो बर्थडे बॉय अभी तैयार नहीं है। बर्थडे बॉय तैयार होगा और आज उनका फेवरेट बनेगा खाना। स्पेशल डे तो स्पेशल खाना। वैसे मोस्टली क्या होता है, उनको अगर कभी पूछो ना कि क्या बनाओ, छोले भटूरे, अद्वि से पूछो छोले भटूरे। बट अभी जो है वो छोले भटूरे का प्लान थोड़ा सा कैंसिल किया, लाइक बना छोले रहे हो, लेकिन आज चिकन छोले बनाऊंगी, पंजाब के बहुत फेमस होते हैं। बट मेरे स्टाइल में तो कोई ऑथेंटिक ट्रेडिशनल नहीं है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। पूरी बनाऊँगी साथ में, और साथ में बनाऊँगी मैं पेठा, पेठा मिठाई वाला नहीं, जो कद्दू की जो खट्टी मीठी सब्जी होती है वो पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे वो वाला कद्दू तो मिलता नहीं है, लेकिन जो बटरनट स्क्वैश होता है ना, तो मैं वो लेकर आती हूँ और उससे बनाती हूँ। बहुत अच्छा ऐसा टेस्ट आता है, जैसे जो पका हुआ कद्दू होता है ना, जो ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो उससे जैसे आप बनाते हैं। और अभी उस वाटरमेलन की जो है ना, बेचारे के भाग खुले नहीं है, अभी वो कटा नहीं है, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कल का। कल को वेदर सनी है अच्छा खासा, तो कल हम कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। तो फिलहाल चलती हूँ मैं किचन की ओर और बनाना शुरू करती हूँ बर्थडे बॉय के लिए उनका फेवरेट खाना। एंड थैंक यू सो मच, आई नो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी विशेस भेजेंगे, तो थैंक यू सो मच इन एडवांस, दिल से थैंक यू। बाकी जब तक वीडियो एंड होगी तो साहब भी आपको थैंक यू बोल ही देंगे। और थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, फेसबुक पे फॉलो करने के लिए। मैंने एक दो बार कहा कि प्लीज़ यार फॉलो करो, तो आप लोगों ने फॉलो किया, आई एम सो मच हैप्पी कि आप लोग सुनते हैं सारी बात। बट अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो जल्दी जाके फॉलो करो, जल्दी जल्दी जल्दी। वहाँ पर मैंने वीडियोस डालने शुरू करी हैं, टू द पॉइंट वीडियोस डलती हैं, तो कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रेसिपीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। बट लाइक यूट्यूब पे मैं एक दिन में 3-4 वीडियो तो डाल नहीं सकती हूँ कि मैं व्लॉग भी डाल दूँ, रेसिपी भी डाल दूँ और कट करके डाल दूँ, तो इसीलिए फेसबुक को मैंने स्पेशली कर दिया कि हाँ टू द पॉइंट वीडियोज़ के लिए। तो फॉलो मी देयर इफ़ यू वॉन्ट, और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो लोग आपकी बात सुनते हो उनको भी बोलो। चलिए चलते हैं किचन में। और सिर्फ मैंने छोले अभी भिगो के ही रखे हैं, अभी मैंने ऐसा भी नहीं है कि उनको उबाला है, अभी सिर्फ ये भीगे रखे हैं ओवरनाइट। 1 कप के करीब ये छोले थे और ये ओवरनाइट भीगे हुए हैं। टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, 1:30 बज जाएगा खाना में, क्योंकि पूरी में भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है, और सारी चीज़ें मुझे लाइक स्क्रैच से शुरू करनी है, मैंने कुछ भी प्री प्रैप नहीं की, क्योंकि सुबह फ़ोन वोन भी आ रहे थे तो बात हुई, उसके बाद दूध ख़त्म हो रहा था तो ये दूध लेने के लिए गए बाहर, अभी आए हैं, और अभी मुझे दूध की कैन जो है वो भी क्लीन करनी है, देन आई स्टार्ट मेकिंग लंच, लेट्स गो। और मेरी कुर्ती कैसी लग रही है ज़रूर बताना, आधी कट गई है ऐसे, बाद में दिखा दूंगी जब फुल आएगा। बट बहुत दिनों बाद ना कांच की जो, लाइक मैंने अभी लाख की पहनी हुई थी, उससे पहले मैं एक एक कंगन ही पहनती थी, और जब मैं ससुराल जाती हूँ ना तो मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ खूब खूब, लाइक 5-6 तो पहनती हूँ, तो वहाँ पे वो छन की आवाज़ आती है ना, लाइक पायल की आवाज़, इसकी आवाज़, तो आज वही फील आ रही है जैसे मैं ससुराल में घूम रही हूँ। चलो बनाते हैं खाना, कितनी बात करती हूँ ना मैं, अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ कभी कभी, तो इसलिए मेरा मन करता है कि मैं बात करूँ। बताना मेरी चूड़ी कैसी लगी है, ये मेरे लिए मोनिका दी लेकर आई थी मुंबई से, जब वो यहाँ पर अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आई थी उसकी यूनिवर्सिटी के लिए, तो तब वो मेरे लिए चूड़ी लाई थी लाल और हरी, थैंक यू मोनिका दी।
तो चलिए चिकन छोले बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत इजी हैं और बहुत यमी तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसके अंदर डाल दिया है मैंने ऑयल। इसके बाद मैंने दो मीडियम साइज़ की अनियन ली हैं, जिनको मैं थिनली स्लाइस करके इस ऑयल के अंदर ऐड कर रही हूँ। और इन अनियन को हमें भून लेना है, बहुत ज़्यादा हमें इनको ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही करना है कि बस जो इनकी टिप्स हों वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए और ये कैरमलाइज सी हमको लगने लगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन कर देंगे तो जो छोले होंगे उनका टेस्ट बदल जाएगा और वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और रंग भी बदल जाता है। तो यहाँ पर प्याज मैंने शामिल कर दी है सारी, और इसके बाद इनको अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जितनी चाहिए थी उतनी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसके अंदर सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो एक चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही गरम मसाला ऐड किया है, सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से लगभग 1 टीस्पून के करीब, और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर ऐड किया है, मैंगो पाउडर। और ये सारे मसाले डालकर हमें इसको कपल ऑफ सेकेंड के लिए भून लेना है। और हीट जो है यहाँ पर मैंने मीडियम कर दी थी बिल्कुल, जिस टाइम पर मैंने मसाले ऐड करे थे, क्योंकि कई बार वो जल जाते हैं। साथ ही जिंजर गार्लिक की जो क्यूब थी मेरे पास वो मैंने ऐड कर दी है। फ्रोज़न है ये, कैसे बनती है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। छोले शामिल कर दिए हैं और इसके बाद मैंने पानी डाल दिया है इनफ, और छोले मैंने लगभग 1 कप के करीब लिए हैं और पानी जो है मैंने 1.5 कप ही ऐड किया है यहाँ पर। इसके बाद मैंने लिया है बाइकार्ब सोडा, ये मीठा सोडा खाने का सोडा होता है, और आप देखेंगे कि जैसे ही ये सोडा इन छोले के अंदर जाता है और मसाले होते हैं अंदर बहुत सारे, तो इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। लाइक ये इस सारे जितना भी मसाला होता है उसके साथ ये रिएक्ट करता है, और इससे जो छोले हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल मशी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है और उसको मैं 8 मिनट का लगभग यहाँ पर प्रेशर दूंगी, तो उसमें हमारे छोले डन हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने दूसरा प्रेशर कुकर चढ़ाया है और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने डाल दिया है हींग, और हींग जैसे ही तड़केगा तो मैंने इसके अंदर एक रेड चिली ली है जो मैंने तोड़ के डाल दी है, और साथ ही 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें मेथी दाना, और मेथी दाना को हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और जैसे ही वो भुनेगा इसके बाद हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की जो अनियन है बारीक कटी हुई वो ऐड कर देंगे, और इस अनियन को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर प्याज भी अच्छे से भुन गई है, मसाले हमारे हो गए हैं, और बिल्कुल लाइक 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। कई बार रेड चिली जो होती है वो जल जाती है, फिर रंग अच्छा नहीं आता है। इसके बाद ये है बटरनट स्क्वैश, इसको पील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, और इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और एक बार पहले भी मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, बट काफ़ी टाइम हो गया था तो लगा कि चलिए आज फिर शेयर कर देती हूँ। इसके बाद नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर ऐड किया है, और साथ ही इसके अंदर जाएगी शुगर, तो मैं यहाँ पर 5 टीस्पून के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ जैगरी हो या जैगरी पाउडर हो तो आप वो ऐड करें, इतनी ही क्वांटिटी में, ट्रेडिशनली वही डाला जाता है और उससे बहुत बेटर टेस्ट आता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो बस मैंने ब्राउन शुगर ऐड की है, और बस आपको इसकी लिड लगा देनी है और 2-3 मिनट के प्रेशर में ये डन हो जाता है। उसके बाद हमें इसको मैश करना होता है। तो जब तक दोनों चीज़ें डन हो रही हैं यहाँ पर मैं आटा बना लेती हूँ पूरियों के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप वीट फ्लार लिया है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, कैरम सीड्स डाली हैं, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 कप के करीब मैंने इसके अंदर दही डाल दी है, और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम क्रम्बल कर लेंगे और फिर हल्के निभाए गुनगुने पानी से हम इस आटे को बना के तैयार करेंगे। और यहाँ पर हस्बैंड आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। मोस्टली घर में जब भी पूरियाँ बनती हैं तो पूरियों का जो सख्त आटा होता है वो हमेशा यही बनाते हैं, एंड एज यूजुअल मैं फिर वही कहूँगी क्योंकि मेरे हाथ की सर्जरी हो रखी है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव वाला काम जो है अपने राइट हैंड से नहीं कर पाती हूँ। तो पूरियों का जो
आटा होता है वो सख्त बनता है, तो इसके लिए ऑलवेज ही इज देयर। तो यहाँ पर साहब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर और यहाँ पर पूरियों का सख्त आटा बना देंगे, और दही डालने से जो पूरियाँ होती हैं जब आप फ्राई करते हैं तो वो बहुत कम ऑयल को सख करती हैं, अदरवाइज फिर जो पूरियाँ होती हैं वो बहुत ऑयली हो जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आटा बनके तैयार है और यहाँ पर हम छोले के ऊपर डालने का मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने छोटा सा फ्राई पैन लिया, उसमें एक चम्मच जीरा डाला है, एक चम्मच धनिया डाला है और 1/4 teaspoon मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्चें, साबुत धनिया है ये। और इसके बाद इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और लगभग 1 मिनट लगती है। और जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा इसके बाद 1/4 teaspoon हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, और उसके को भी हम बिल्कुल हल्का सा ही यहाँ पर रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद आप गैस को बंद कर दें और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पर ये ठंडा हो गया है और इसको बस मैं कुंडी में दरदरा कूट लूँगी, और बहुत ज़्यादा फाइन हमें इसको नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है। और इस मसाले का जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा आता है, टेस्ट ऑसम। तो बिना किसी चने मसाले के, बिना किसी रेडीमेड मसाले के आप जब ये डालते हैं छोलों में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर छोले डन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये गल गए हैं, लेकिन अभी हमें इनको थोड़ा सा और पकाना है क्योंकि ये जो छोले होते हैं काफ़ी ड्राई बनते हैं, और जो पाउडर हमने बनाया था अभी सूखे मसालों को रोस्ट करके वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको लाइक 2-4 मिनट हम हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो उधर छोले पक रहे हैं और इधर हमारा जो बटरनट स्क्वैश या फिर पेठा या फिर कद्दू की जो सब्जी है वो तैयार हो गई है, तो इसकी लिड हटाई है मैंने। और अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही हम इसको अच्छे से करछी से चला देंगे ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए। अगर आपको चंक्स वाला पसंद है तो आप एज इट इज़ रख लें, लेकिन हमारे यहाँ इसको बिल्कुल चटनी की तरह खाया जाता है, तो इसको जहाँ तक हो सकेगा इस स्पैचुला से मैं इसकी पिटाई कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। और ये वो सब्जी बनती है जो अक्सर शादियों में मिलती है, तो जब आप इसको खाएंगे तब आपको खुद रियलाइज होगा कि ये वो सब्जी होती है जो शादियों में अक्सर हमें मिलती है। सो मस्ट ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ पर छोले हमारे काफ़ी देर से पक रहे हैं, इसके अंदर मैंने डाल दी है 2 हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के, और बिल्कुल एंड स्टेज पे ये डलती हैं जिससे इनके अंदर क्रंच भी रहता है और इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। तो देखिए छोले बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमारे ड्राई हो गए हैं, और अगर आप हल्का सा ही चमचा उल्टा करके लगाएंगे तो ये छोले एकदम टूट जाएंगे। तो थोड़े से मैं यहाँ पर मैश कर लूँगी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मैश करे हुए खाए जाते हैं लेकिन मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा मशी पसंद नहीं करते हैं, तो मैं बिल्कुल थोड़े से ये मैश करूँगी और कुछ मैं खड़े खड़े ऐसे ही रखूँगी। तो यहाँ पर हमारे चिकन छोले जो हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं, तो ज़रा देखिए इनको। और आप इनके साथ पूरी चावल कुछ भी ना लें, बस आप ऐसे ही ले लें, इनके ऊपर बारीक बारीक कटी हुई प्याज डाल लें, धनिया पत्ता डाल लें, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं, और इनके अंदर कोई टमाटर वगैरह नहीं जाता है, स्टिल ये इतने थिक होते हैं। और बेकिंग सोडा इस रेसिपी में मस्ट होता है, तो ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर है हमारी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी जिसका कोई तोड़ नहीं है, झटपट तैयार हो जाती है। तो आज की दोनों ही जो करी हैं वो इस तरह की हैं कि बिना टमाटर के बस प्याज डालो, मसाले डालो एंड दे आर डन। तो इधर यहाँ पर अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है और पूरियाँ उतारना मैंने शुरू कर दिया है। कुछ पूरियाँ मैंने पहले बेल के रख ली हैं और बस उनको 1 by 1 करके मैं डालूंगी। तो अभी तेल ढंग से हुआ नहीं था, पहली मैंने डाल के देखी तो अब तेल जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो अब मैं 2-3 डाल के और पूरियाँ बनाना शुरू करूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से पफ हो रही हैं, बट कढ़ाई छोटी पड़ गई, एक साथ 3 जा नहीं रही थी, तो तीसरी पूरी के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पाई और वो फूली नहीं। तो पूरियों को फुलाने का यही तरीका है कि उसको आपको करछी से थोड़ा दबाना पड़ता है, और जब वो फूल जाती है तब आप उसको पलटें, और पूरियां पलट पलट कर नहीं सेकी जाती हैं, पूरी एक
तरफ से एक बार में ही सेकी जाती है और फिर आप उसको पलट दें और फिर निकाल लें। अगर आप उसको दो तीन बार अलट पलट के सेकेंगे पूरी को, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो पूरी का यही है कि एक बार अच्छे से वो सिक जाए, फिर आप उसको दूसरी तरफ से पलटें, सेकें और उसको निकाल लें, दैट्स इट। उसको बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक रोटी को हम घुमा घुमा के पलट पलट के सेकते हैं, लेकिन पूरी एक ही बार में सिकती है। तो चलिए, यहाँ पर पूरियाँ बन रही हैं और थोड़ी सी मैंने बना ली थी, इतनी देर में साहब आ गए हैं और अगेन पूरी बनाने में ये हमेशा साथ देते हैं। तो मैं पूरियाँ बेलती जा रही हूँ और वो फ्राई करते जा रहे हैं। तो इट इज़ टीम वर्क ऑलवेज, और कोई और आके इस तरह से पूरी तलवाने में आपकी हेल्प कर दे तो काम भी जल्दी निबट जाता है और बातें करते करते जल्दी से सारा काम हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि आपने इतनी सारी पूरियाँ बना ली हैं। और एनी हाउ यू इन्जॉय किचन वर्क, अगर कोई एक जन आपके साथ आके खड़ा भी हो जाए, ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा आके काम ही कराए, लेकिन जो किचन में चुपचाप खड़े हुए जब आप बहुत सारा काम करते रहते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कोई बंदा बस साइड में आके खड़ा हो जाए और बीच में आपसे बात करता रहे, तो बस फटाफट सारा काम हो जाता है बातें करते करते। और मेरे जैसा इंसान जिसे बातें करने की इतनी आदत है, उसके तो खैर, उसके पास अगर कोई आके बैठ भी जाए ना, तो बस बहुत है, मैं फटाफट सारा काम कर लूँगी, मेरे साथ बस कोई बात करने वाला हो। तो ये है हमारी आज की बर्थडे स्पेशल थाली, और सारी चीज़ें जो हैं वो साहब की पसंद की हैं। तो यहाँ पर है हमारा खट्टा मीठा कद्दू और साथ में है चिकर छोले जो लाजवाब बनते हैं, और मैं ये कहूँगी कि इनमें भी वही खुशबू है जो आपको शादियों में मिलती है। और साथ में सैलेड रख दी है, रायता है बिल्कुल प्लेन वाला, नमक और जीरा डाला हुआ, पापड़ भून दिए हैं और साथ में है ये अजवाइन वाली दही की पूरियाँ जो बहुत टेस्टी हैं, बहुत खस्ता हैं और बहुत कम ऑयल पीती हैं। और इसके बाद हम लोग अपना देसी स्टाइल में आज नीचे बिछाकर दस्तरखान लगा के अपना हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो आज का जो बर्थडे है वो प्रॉपर देसी स्टाइल में सेलिब्रेट हुआ है। बस एक चीज़ की कमी रह गई, जब घर पे होते हैं तो मम्मी इनका टीका करती हैं, तो वो टीका करना हमारा रह गया, और चाहती तो मैं कर देती पर वो बिल्कुल ही दिमाग से स्लिप हो गया, और रात हुई तब ध्यान आया कि अरे आपका तो मैंने टीका ही नहीं किया। पर चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कर देंगे या कल को कर देंगे, कल ये एक दिन के हो जाएंगे तो तब कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी खूब सारी बातें चल रही हैं, साथ साथ हम यहाँ पे अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपीज़ कैसी बनी, आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसी बनी, कैसी लगी उन लोगों को, और कितने नंबर सब ने आपको दिए और कितनी तारीफ़ें आप लोगों की हुई, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, एक दो जगह और बातें करी और चाय पी के फिर हम लोग निकल गए बाहर, बस ड्राइव पे, कहीं जाना नहीं था, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही घर से निकले, गाड़ी में बैठे और थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव लेकर आए। तो गाड़ी भी थोड़ा रन होती रहती है और हमें भी बाहर की जो नेचर है वो देखने का थोड़ा सा मौका मिल जाता है। और जब मैं इस तरह से व्यूज़ शेयर करती हूँ तब मुझे कॉमेंट भी बहुत सारे मिलते हैं कि दीपिका बहुत अच्छा लगता है जब आप शेयर करती हैं, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह से लॉकडाउन है कि लोग बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब वो इस तरह का मौसम देखते हैं, सड़कें देखते हैं, नेचर देखते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो इसीलिए जब भी मैं कभी इस तरह से ड्राइव पे जाती हूँ अब इनके साथ, तो मैं हमेशा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो खुला खुला व्यू मिले, आप लोगों को लगे कि हाँ आप एक ताजी सी हवा में सांस ले रहे हैं। रोज के वही घर की दीवारें और वही चीज़ें देख के सभी लोग बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो की कुछ क्लिप्स से आप लोगों को थोड़ी सी ताजगी मिलती है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो उसमें मेरा कुछ
कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और एनीवे मैं जा तो रही थी यहाँ पर ड्राइव पे, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा था कि अगर मैं कोई क्लिप्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ। एंड सीरियसली जहाँ पर हम आज गए थे ये एरिया सच में बहुत अच्छा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शेफील्ड इतना बड़ा है और इतनी दूर तक भी होगा। ये पूरा शेफील्ड का ही एरिया है, बट इधर की तरफ हम पहले कभी आए ही नहीं। बहुत अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पर, काफ़ी हिली है ये वाला एरिया। जिधर हम रहते हैं वो भी हिली है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा है और बहुत नैरो यहाँ की रोड्स हैं। तो सामने से जब चढ़ाई पे आप चढ़ते हैं तो सामने से जो कोई आ रहा होता है तो रुकना पड़ता है। सो इट वॉज़ गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा आज का, एंड रियली एन्जॉयड इट। एंड लुक एट दिस व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। ग्रीनरी देख के ना आँखें अपने आप ही इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं ना कि बिल्कुल तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब आप इस सड़क से जा रहे होते हैं तो दोनों तरफ से पेड़ एक दूसरे के ऊपर झुके होते हैं, दैट्स ऑसम। तो आई होप कि आप लोग यहाँ से फील कर पा रहे हों जो मैं उस टाइम पर कार में बैठ के फील कर रही थी। इट इज़ रियली गुड। और वहाँ पर शेफील्ड दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। आई लव दिस सिटी, आई रियली रियली लव दिस सिटी। आ गए हैं ड्राइव पे से, ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे, थोड़ी दूर तक गए थे, लाइक घर में बैठे बैठे हो रहे थे। फिर मैं कहा चलो थोड़ी सी ड्राइव पे चलते हैं, और डिफरेंट एरिया में गए थे। उधर की तरफ हम पहले कभी नहीं गए थे, बहुत ऊंचा नीचा है उधर की तरफ, बट व्यू इतना अच्छा था ना वैली का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो। स्पीड लिमिट भी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, मतलब नॉर्मल 60 का ही था वहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत धीरे धीरे या बच बच के चलाना था। बट ये कि कर्वी इतना ज़्यादा था तो अपने आप ही स्पीड कम हो जाती थी। तो अच्छा लगा, घूम के आए थोड़ी देर, बाहर तो नहीं निकलना था, बस गाड़ी में बैठ के घर से गए वापस आ गए, तो थोड़ी सी आउटिंग हो गई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मीठा बनाया नहीं दीपिका ने कुछ, हर बार तो लाइक ऑलमोस्ट वीडियो में मीठा दिखाती है, तो ये केक के इतने ज़्यादा शौकीन है नहीं। और फिर केक बनाओ तो बस ये केक कटिंग के टाइम पे वो एक आधा पीस तो खा लेते हैं, फिर वो केक बचता है तो वो मैं और अद्वी निपटाते हैं, और वो हम करना नहीं चाह रहे क्योंकि वैसे ही बेकिंग वगैरह इतनी हो रही है, कुछ ना कुछ मीठा बन ही रहा है। तो मैं कहा चलो जब इनको वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो क्यों बनाया, तो हमने केक का प्लान तो कैंसिल कर दिया था। फिर हमें था कि चलो कुछ और मीठा बना लूँगी, पर फिर ये बोले दोपहर खाना खा के बहुत हैवी हो गया दीपिका, और कुछ मत बना। तो मैं कहा चलो कल परसों बना लेंगे, कोई बात नहीं, घर की बात है, और वैसे भी सीरियसली बहुत हैवी हो गया था, हमने खूब अच्छे से छक छके का, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया ही नहीं था, तो हमने बहुत अच्छे से खाया। और अभी तक भी कोई चांस है नहीं कि हम लोग डिनर भी करेंगे, हद से हुआ तो दूध और खजूर लेके बस हम सो जाएंगे। अद्वी को भूख लगेगी तो पूरी रखी है, मैं उसको या तो पूरी सेक दूंगी या थोड़ा बहुत उसका राइस बना दूंगी अगर उसका मन करेगा तो। तो फिलहाल ये, तो आज के स्पेशल डे पे कोई मीठा नहीं बना है ना। और इधर बैठे हैं चौधरी साहब जिन्होंने हेयर बैंड लगाना शुरू कर दिया है, बाल बड़े हो गए है नहीं? सही है, अच्छा है, नाइस, अच्छा लग रहा है, ये बेटर है, वो जो पड़े रहते हैं ना सामने बाल, उनसे ये ज़्यादा बेटर है हेयर बैंड लगाना। तो इन्होंने जल्दी कटवाएंगे, दुकान तो खुले, मेरे से तो कटवा नहीं रहे, मेरे से तो ऐसे डरे पड़े जैसे पता नहीं मैं क्या कट दूंगी, है ना, कटवा लेंगे कटवा लेंगे। तो सही, यहाँ हेयर बैंड लगाना शुरू कर दिया अपना, और क्या ए, सीरियसली जॉन अब्राहम जैसा लुक आ रहा और किसी को जानते तो नहीं ना। तो मेरा फेवरेट एक्टर जो है वो जॉन अब्राहम थे, हैं, शायद रहेंगे हमेशा। और जब हम एमएससी में थे ना तो मैं इनसे बोलती थी कि जब मैं शादी करूंगी ना तो किसी जॉन अब्राहम जैसे लड़के से करूंगी, यू रिमेम्बर दैट थिंग। फिर मुझे ये मिल गए अजय देवगन। फिर लोग बोलते, आई डोंट से दैट अजय देवगन, पीपल से दैट, इंग्लैंड के अजय देवगन बोलते हैं आपको। अब आप कैमरा पकड़ो, मेरे हाथ की हिलत होगी, नाउ इट्स योर टर्न। और जो कैमरा पकड़ेगा उसे हाथ हिलाना नहीं है, ठीक है, ठीक है यहाँ पे, हाँ उसे मतलब कंट्रोल रखना है हाथ,
हाथों को हिलेगा क्यों हिलेगा? तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना, हाथ में दर्द हो गया मैं इसे ऐसे ही थोड़ी ना, वो बिल्कुल स्टिल रखना पड़ता है। चलो ठीक है, चलो तो लोगों को थैंक यू बोल दो। धन्यवाद भाई लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी सारी बेस्ट विशेस के लिए। बहन भी है, बहन और भाई हो? हाँ बहन और भाई, मित्रों मित्रों ठीक है धन्यवाद आपकी पहचाना मित्रों आपकी बेस्ट विशेस के लिए जो आई है, इसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे तो फोटो डाल दिया था मैंने, तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए, तो सबको थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो यही थी आज की वीडियो, अच्छे से हमारा दिन काफ़ी अच्छे से गया आज। लेट उठे, थोड़ा सा लेजी मॉर्निंग शुरू हुई, फिर सारा काम निपटाया, फिर ढंग से तैयार हुए। ये तो ऐसे ही लाइक मैं और रवि तो तैयार होके बैठ के, बर्थडे बॉय जो है वो पुरानी टी शर्ट में ही है अपनी ब्लू फेवरेट कलर में, तो कोई बात नहीं। मुझे रवि को तो मौका चाहिए तैयार होने का, तो हम तो तैयार होके बैठ गए थे। फिर बातचीत हुई, खाना मैं तेरा काम कम कर रहा हूँ ना, तो ज्यादा कपड़े धोने पड़ेंगे फिर। देख मैं थोड़ी ना धो रही, मशीन धो रही है, जो कुछ भी है तो मगर अपना जो इस चीज मुझसे नहीं डरती मैं, कपड़े धोने से मशीन में डाल दो डर लगा, इस चीज का डर नहीं है। जो सामने मिला वही पहन लिया, कोई बात नहीं। चलो तो लोग हर एक वीडियो में हमारे सिर पे क्यों बैठा था बेचारा ये? हाँ जब मैं वीडियो रहती है, ये लड़की है रोजी है इसका नाम। अच्छा रोजी, हेलो रोजी। हाँ रोजी, ये अद्वी की हमारी रोजी कहाँ है? हमारी रोजी कहाँ है? वो आराम से बैठी हुई है, वो ड्राइव से आके थक गई, उधर बैठी हुई। अच्छा वो अपना लगी हुई अपने काम में। तो ये रोजी है, ये लड़की है, ठीक है। चलो तो ठीक है, हमारी रोजी भी आ गई। ओके ओके, कहाँ है रोजी? हमारी रोजी है। व्हाट डू यू मीन रोजी? नथिंग नथिंग, यू आर जस्ट जोकिंग। ओके जो अपना अपना काम करो, इट्स ओके, डोंट वांट टू डिस्टर्ब मत करो, इट्स ओके। चलो भाई ठीक है, हो गया। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। अब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखो और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाते रहो, कोई एक छोटा सा रीज़न ढूंढते रहो खुश रहने का, दूसरों को खुश करने का, और बस खुश 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 रहोगे ना तो सब लोग खुश रहेंगे। हो गया, मैं बोलूं? अच्छा ठीक है भाई, बहुत सारे लाइक, बहुत सारे वो क्या दूसरा, और बहुत सारे लाइक और बहुत सारे सब्सक्राइब, और एक जन एक ही कर सकता है, बहुत सारे कमेंट तो हो सकते हैं, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक इन सब पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं इफ यू लाइक दिस वीडियो। चलो भाई जो ये कह रही है वही कर दियो। हाँ। ठीक है और कुछ नहीं, और सैटरडे सरप्राइज प्लीज देख लिया करो यार, इतनी मेहनत से बनाती हूँ मैं, ऐसा ना किया करो, ऐसा ना किया करो, वो भी देख लिया करो, देख लिया करो भाई, चलो मान लो इसकी बात। ठीक है, बाय बाय बाय, सी यू लेटर, बाय बाय बाय।